हाउ टू यूज़ कम्युनिटी टैब इन यूट्यूब फॉर मोर व्यूज़। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब से 500 सब्सक्राइबर पे कम्युनिटी टैब मिलना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि कम्युनिटी टैब को यूज़ करके आप अपने वीडियोज़ पे व्यूज़ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं पता है तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप कम्युनिटी टैब को सही से कैसे यूज कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आप लोग के साथ कुछ सीक्रेट ट्रिक्स शेयर करूंगा, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं अपने कम्युनिटी टैब पे, अपने कम्युनिटी पोस्ट पे अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी कम्युनिटी पोस्ट पे ज्यादा लाइक आएगा, ज्यादा रीच आएगा, और अगर ज्यादा रीच आता है तो आपके वीडियोज पे व्यूज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो दोस्तों आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरे ध्यान से आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आपको लाइक जरूर करना है, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे आ रहे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपकी यूट्यूब चैनल पे 500 यानी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है और आपको अभी तक कम्युनिटी टैब नहीं मिला है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब कैसे ले सकते हैं इस पे मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि कम्युनिटी टैब को आपको यूज़ कैसे करना है, उसके बाद मैं आप लोग के साथ कुछ सीक्रेट ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाता है, और एक एक करके मैं सभी ऑप्शन के बारे में आप लोग को बताऊंगा, और वैसा पोस्ट आप अलग अलग तरीके का पोस्ट कैसे कर सकते हैं अपने कम्युनिटी टैब में, ये भी मैं आप लोग को प्रैक्टिकल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले कोई भी वीडियो का लिंक आपको कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ से अपने वीडियो का लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको कम्युनिटी पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे क्रिएटिव पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसा आप यहाँ पे क्रिएटिव पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, जो मैंने कॉपी किया था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद इस लिंक को आपको नीचे करना है, और अगर आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली न्यू वीडियो अभी लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट कर देंगे तो यहाँ पे किस तरीके से दिखाई देगा ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली अपना वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे दिखाया और पोस्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका वीडियो का लिंक कुछ इस तरीके से ऊपर में आ जाएगा, और वीडियो का थंबनेल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप एक पोस्ट कर सकते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब दोस्तों चलिए सेकंड पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड पोस्ट किस तरीके से है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरा स्क्वायर शेप में एक यहाँ पे इमेज दिख रहा है, और साथ में मैंने यहाँ पे ऊपर में वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो इस तरीके से आप पोस्ट कैसे कर सकते हैं चलिए अब मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। तो फिर से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, क्रिएट ए पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से अगर आप यहाँ पर कोई भी मैसेज लिखना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर आपको कोई भी मैसेज लिख देना है। तो मैं यहाँ से फिर से वीडियो ही लिख देता हूँ अभी। उसके बाद अब आपको डायरेक्ट पोस्ट के ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है। अगर डायरेक्ट पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बताया था उस तरीके से पोस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर शेप में अगर आपको इमेज यूज़ करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे साइड में आपको गैलरी का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो भी उस वीडियो का थंबनेल था उसी को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी यहाँ पे मैं इमेज यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपने जो इमेज सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, 1 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ चुका है। आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको इस तरीके से रख देता हूँ। उसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है फिर से यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में इमेज भी आ चुका है और वीडियो का लिंक भी ऊपर में दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग को ये भी पता चल गया कि स्क्वायर शेप में जो पोस्ट किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। अब दोस्तों चलिए थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, और तीसरा ऑप्शन क्या है ये मैं आप लोग को सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 दिन पहले मैंने एक यहाँ पे पोल डाला हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों क्या आपको कम्युनिटी टैब का फुल ट्यूटोरियल चाहिए। तो आप लोगों में से यहाँ पे 320 लोगों ने यहाँ पे वोट किया हुआ है और 75% ने बोला है एस, और इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस तरीके से पोल आप कैसे डाल सकते हैं अपने कम्युनिटी में वो मैं आप लोग को बता देता हूँ।
तो दोस्तों फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, क्रिएट ए पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन देने वाले हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दूँ, चलिए मैं यहाँ पे Q&A का क्वेश्चन देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया है, क्या मुझे Q&A वीडियो बनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे वोटिंग करने का ऑप्शन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक नया लोगो मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं यस, उसके बाद सेकंड में आप दे सकते हैं नो, या फिर अगर आप और भी ऑप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड अनदर ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक और न्यू टैब आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीसरा ऑप्शन डाल दिया कमेंट में बताइए। इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल 5 यहाँ पे टैब आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 3 ही रहने देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे पोल डाल रहे हैं तो यहाँ पे आप इमेज यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पे पोल लिख लिया है, क्वेश्चन लिख लिया है, उसके बाद आपको सिंपली पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पोल है यहाँ पे पोस्ट हो चुका है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 सेकंड पहले यहाँ पे पोस्ट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे वोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको कम्युनिटी टैब में एक और ऑप्शन मिलता है, यानी चौथा ऑप्शन मिलता है, वो क्या है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको कम्युनिटी टैब का चौथा ऑप्शन मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कम्युनिटी टैब में एक वीडियो पोस्ट करा है, और ये मैंने कैसे किया है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो पे 110 लाइक कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मैं आप लोग को टारगेट दे रहा हूँ, जैसे इस वीडियो में 110 लाइक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर बताऊंगा कि इस तरीके से आप अपने कम्युनिटी टैब में वीडियो शेयर कैसे कर सकते हैं, यानी वीडियो पोस्ट कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस पर मैं पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि इसको बताने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो में 110 लाइक कंप्लीट करना है, उसके बाद में आप लोग को बताऊंगा कि आप कम्युनिटी टैब में इस तरीके का वीडियो कैसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कम्युनिटी टैब को कैसे यूज़ करना है। अब दोस्तों मैं आप लोग को कम्युनिटी टैब से रिलेटेड कुछ सीक्रेट ट्रिक्स बताता हूँ। अगर आप इन सीक्रेट ट्रिक्स को अगर आप कम्युनिटी पोस्ट करते समय अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी कम्युनिटी पोस्ट पे ज़्यादा लाइक्स आएगा, अगर आप पोल डालते हैं तो आपके पोल पे ज़्यादा वोट्स आएगा। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं तो पूरे ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। और दोस्तों जो मैंने आप लोग को बताया था कि कम्युनिटी पोस्ट कैसे करना है वो मैंने सुबह में वीडियो बनाया था, और अभी मैं 7 घंटे बाद इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बीच में ही लाइन कट हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आप फर्स्ट सीक्रेट ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो मैंने पहला आप लोग को ऑप्शन बताया था कि अगर आप यहाँ पे अपने वीडियो का लिंक डायरेक्ट पोस्ट करते हैं, यानी इस तरीके से थंबनेल आ जाता है, तो अगर आप इस तरीके से पोस्ट करेंगे तो आपका जो कम्युनिटी पोस्ट है ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट का जो साइज है वो है स्क्वायर शेप में, लेकिन आपका जो यहाँ पे थंबनेल लगाते हैं वो है 9:16 का। इसलिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने वीडियो का लिंक पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो का थंबनेल आ जाता है, इसलिए ये ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचता है। और मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 घंटा पहले मैं यानी वीडियो के फर्स्ट में मैंने आप लोग को पोस्ट करके बताया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ वीडियो का लिंक मैंने पोस्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में इमेज भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें यहाँ पे सिर्फ 2 लाइक है, यानी 2 लाइक्स है। और यहाँ पे अगर आप इसमें देखते हैं जहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में एक फोटो यूज़ किया है, इसमें 28 लाइक्स है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को लाइव डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप में एक थंबनेल यूज़ करके आपको कोई भी वीडियो का लिंक आपको पोस्ट करना है, इससे ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब आपके पोस्ट को पहुँचाता है। और यहाँ पे आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उनके पास भी आपका कम्युनिटी पोस्ट जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और दोस्तों अगर आप इस तरीके से स्क्वायर शेप में अगर आप थंबनेल लगा के अगर अपने वीडियो का लिंक शेयर करेंगे तो आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों तक इस तरीके से आपका जो पोस्ट है वो पहुँचता है, तो इसको यूज़ करके आप व्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोग को एक और ट्रिक बताता हूँ। अगर आप अपने चैनल का रीच इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने चैनल को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी पोस्ट डालना है, और सबसे ज़्यादा कम्युनिटी पोस्ट में होना चाहिए वो है पोल। आपको पोल ज़्यादा से ज़्यादा डालना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे अगर कोई भी थंबनेल अगर यूज़ करके आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं फोटो, तो दोस्तों ये बहुत ही कम लोगों तक पहुँचता है, बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पोल डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता है।
जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फोटो मैंने डाला था ये भी 7 घंटा पहले ही मैंने डाला है, और यहाँ पे पोल भी मैंने 7 घंटा पहले ही डाला था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 111 वोट्स आ चुका है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोल डालना है अपने कम्युनिटी टैब में, इससे आपके आपका जो कम्युनिटी पोस्ट है ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे उनके पास भी पहुँचता है, और ज़्यादा चांस होगा कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि कम्युनिटी टैब कैसे यूज़ करना है और कम्युनिटी टैब यूज़ करने का सही तरीका क्या है, ये सारा कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आपको कम्युनिटी टैब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी दिख रहा है, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करना है, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको अभी तक कम्युनिटी टैब नहीं मिला है तो मैंने इस पर ऑलरेडी मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इन स्क्रीन में मैं वीडियो दे रहा हूँ, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये वीडियो प्ले हो जाए।